एसडीएम हमारी पत्नी है, गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, वह रिश्वतखोर भी है। घूस के लाखों रुपए उसके पास आते हैं, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है, लिखित प्रूफ है। वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर हमारी हत्या करा सकती है, हमें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। हमने प्रेमी के साथ उसे चैट करते हुए देखा, यही नहीं, हमने उसे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा भी है। एसडीएम पत्नी से हमें बचाओ, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है, रात की नींद गायब हो गई है। हुजूर, यह वेदना व विलाप है एक चतुर श्रेणी के कर्मचारी आलोक का, जिसने दर्जनों पेज की एक डायरी दैनिक भास्कर सहित अन्य समाचार पत्रों को दिया है और बताया है कि हमारी पत्नी ज्योति हर महीने वसूली और भ्रष्टाचार से मिलने वाले लाखों रुपए को इस डायरी में लिखा है। विभिन्न विभागों से वसूले गए रिश्वत के पैसे जो प्रति माह 6 लाख से अधिक होते हैं, पूरा हिसाब किताब उसने अपने हैंडराइटिंग में ही लिखा है हुजूर, और यह प्रूफ है। कहां से कितना पैसा आया, सप्लाई से कितना मिला, राजस्व से कितना मिला, नापी से कितना मिला, लेखपाल से कितना मिला, कानूनगो से कितना मिला, किस सर्किल से कितना मिला, यह सब उसने लिखा है और शुभ लाभ भी लिखा है पेज पर। शुभ लाभ और स्वस्तिष्क का चिन्ह है, लक्ष्मी जी सदा सहाय। आलोक की शादी 2010 में हुई, उस समय वह पंचायती राज विभाग में चतुर श्रेणी के कर्मचारी के रूप में तैनात था। चतुर श्रेणी से आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप भिज्ञ हैं, चपरासी। पत्नी ज्योति को उसने पढ़ाया लिखाया, जब शादी हुई थी तो यह छात्रा थी, पढ़ने में ठीक ठाक थी। अब शादी कर दिया मायके वालों ने कि इसलिए कि लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई है, चलो कोई बात नहीं है, ज्योति पढ़ भी लेगी। ज्योति ने मेहनत किया और परमात्मा की कृपा से उसने उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की, अच्छी रैंक मिली और वह हो जाती है एसडीएम। दोस्तों, ज्योति कौशाम्बी के चायल तहसील में 2019 से 2021 के बीच तैनात थी। उसी समय के हिसाब किताब के पन्ने उसके पति आलोक के हाथ लग गए हैं। डायरी में अलग अलग विभागों से मिलने वाले उत्कोच का जिक्र किया गया है। उत्कोच है घूस का असली हिंदी शब्द है उत्कोच। जब कोई रिश्वतखोर कर्मचारी पकड़ा जाता है, अधिकारी लोक सेवक, तो उत्कोच लिखा जाता है। बताते हैं कि एसडीएम पत्नी से 2015 में उसके दो जुड़वा बच्चियां पैदा हुई, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसी बीच 2020 में एक होमगार्ड के जिला कमांडेंट से उसकी दोस्ती हुई और यह दोस्ती मर्यादा को तोड़ते हुए शारीरिक संबंधों में तब्दील हो गई, जैसा कि आलोक का कहना है। इसकी पुष्टि करते हुए आलोक बताता है कि हमने उसकी अश्लील चैट को तब देखा जब ज्योति ने फेसबुक अकाउंट को खुला हुआ छोड़ दिया था, बंद करना भूल गई थी, स्नान करना गई थी, कौतूहल बस हमने देखा तो उसमें आपत्तिजनक चैट किए गए थे। इसके बाद विवाद शुरू होता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है और काफ़ी आपत्ति के बाद ज्योति ने कह दिया, हम करेंगे जो करना हो कर लो। इसके बाद वह रंगे हाथ बताता है आलोक कि हमने पकड़ा भी दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में। अब ज्योति का कहना है, जो एसडीएम है उनका कहना है कि हमारा पति हमसे 50 लाख रुपए और वह मांग रहा है, घर मांग रहा है। ज्योति इस समय बरेली के एक शुगर मिल में जीएम है। ज्योति के भ्रष्टाचार वाले मामले पर जबरिया रिटायर्ड किए गए आईपीएस अमिताभ ठाकुर कूद पड़े हैं और उन्होंने इसे गंभीर प्रकृति का भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग की है। दोस्तों, अगर आप हमारे पेज पर यूट्यूब, हमारे फेसबुक पेज पर नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं और ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं, तो कृपया आप जोड़ लें, हम कमेंट बॉक्स में इसे दे देते हैं, हम उसे अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आलोक का कहना है कि वह मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने और जीवन बर्बाद करने की धमकी देती है और हम अब जिंदा नहीं रहेंगे, वह हमें मरवा देगी। प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करने के बाद ज्योति हो जाती है एसडीएम, जो कल तक अपने चतुर श्रेणी कर्मचारी आलोक के अल्प वेतन पर ही आधारित थी। आस लगाए थी कि वेतन मिलेगा तो हम तैयारी करेंगे, फीस जमा होगी
कोचिंग का पैसा भरेंगे, एसडीएम होते ही रातों रात दुनिया बदल जाती है और उसका आभा मंडल ऐसा हो जाता है कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो पंचायती राज में है उसके आगे खटकने लगता है, यह लगने लगता होगा कि ऐसा तो मेरा अर्दली है जो पुकार लगाता है कि हुजूर हुजूर आ रही हैं सावधान। और हम चेयर पर बैठते हैं, चूँकि दो मामले हैं, एक तो एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी, यह है प्रशासनिक मामलों का, और दूसरा उप जिला मजिस्ट्रेट जो न्यायिक मामलों को देखता है। उप जिला मजिस्ट्रेट मैडम के समझ में आया होगा कि मजिस्ट्रेट के मामले में हमें जो पावर है, वकील साहब लोग खड़ा होकर के और हुजूर मिलाड कहते हैं, माई बाप सब कहते हैं, और यह तो मेरा अर्दली जैसा है, लोग क्या कहते होंगे कि अरे मैडम का पति तो अरे पंचायती राज में है, डीपीआरओ उसे डांटता है, उसे सचिव डांटता है, उसे ऐसे तमाम तमाम चीज़ें। अब मैडम को अपना पति ही अखरने लगा होगा कि यह तो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है जो मेरे सामने गिलास का पानी लेकर के, चाय का ट्रे लेकर के ऐसा ऐसे खड़ा रहता है, मैं डांटती हूँ तो उसके पसीने छूट जाते हैं, जैसा कि समय गर्मी में मुझे हो रहा है। तो दोस्तों, मैडम को यह भी लगा होगा कि हमारे अंडर में लेखपाल हैं, हमारे अंडर में कानूनगो यानी राजस्व निरीक्षक हैं, उसके ऊपर हमारे अंडर में नायब तहसीलदार हैं, उसके ऊपर देखा जाए तो राजपत्रित अधिकारी हमारे अंडर में तहसीलदार हैं, हमारे अंडर में वहाँ का नगर पालिका है, वहाँ का नगर पंचायत है, हमारे अंडर में वह सारे विभाग हैं, सारे विभागों का परीक्षण, सारे विभागों की जांच हमारे द्वारा की जा सकती है, और हमारे पद का नाम है उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी जुड़ा है, उप जुड़ा है, हम तहसील के मालिक हैं, मालिक तो नहीं है, लोक सेवक हैं, लेकिन बहुधा देखा जाता है हम तो लात खाए हैं ना, हम लोग अंग्रेजों की लाठी खाए हैं, हम लोग तो घिघियाए हैं, हुजूर सरकार कहने की आदत है। तो अभी भी मैं देखता हूँ जाते हैं लोग तो ऐसे लटक करके जाते हैं और कहते हैं हुजूर आप तहसील के मालिक हैं, हुजूर आप तो ज़िले के मालिक हैं, जो चाहेंगे वह कर देंगे, तो हुजूर भी टाइट होके बैठता है ऐसे करके। हुजूर भूल जाता है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं, और पब्लिक जो सामने घिघिया रही है हाथ जोड़ करके, जिन्हें देख करके हमारे दिल को तसल्ली हो रही है, और अंग्रेजों के समय का साहब हमारे भीतर फिर से फुफकार रहा है टाई लगा करके, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, और जो आगे आकर के घिघिया रहा है ना, उसके टैक्स के पैसे से तुम्हें वेतन मिलता है। तो मैडम को खटकने लगा अपना वही आलोक, क्या मामला है मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन यह वीडियो मैं दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कर रहा हूँ, मैं प्रयास भी करूँगा आलोक से मिलने का, और अगर हो सका तो मैडम से भी बात करने का प्रयास करूँगा। कुल मिलाकर के यह मामला कोर्ट तक पहुँच गया है, थाने तक पहुँच गया है, क्या होगा इस मामले में, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि बेमेल शादियाँ नहीं होनी चाहिए, यदि हाँ तो यह शादी बेमेल तो थी नहीं, क्योंकि उस समय तो वह सरकारी कर्मचारी था, भले ही चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, लेकिन मैडम जिस तरह से उनका आभा मंडल रातों रात चेंज हो गया और उसके आधार पर उनका व्यवहार भी बदल गया, मैडम को क्या करना चाहिए, आलोक को क्या करना चाहिए, यह कमियां आई कहां से, और इस पर दोनों का नज़रिया और दोनों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए था। चलिए, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, विनम्र भाव से सभी आत्मीय दोस्तों को जो देश विदेश से जुड़े हैं, हमें प्यार और स्नेह देते हैं, जिनका स्नेह स्रोत हमारे लिए सदैव बना हुआ है, सभी को प्रणाम।